हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस पर थोड़ा टाइम लग गया मुझे वीडियो लेकर आने में, क्योंकि बिज़ी था थोड़ा सा। अभी टाइम मिला है, अभी सब घर पर हैं, तो इसलिए ये बना रहा हूँ। तो आज मेरे पास मेरा रेडमी नोट 8 प्रो है। ये 6 128 वाला वर्जन है, और मेरे पास मेरा पुराने वाला नोट 4 भी है, जो रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा मैं दिखाने के लिए। तो नोट 8 प्रो में टाइप सी आता है, नोट 4 में माइक्रो यूएसबी आता है। मेरे पास MI की ब्रांड की 2-in-1 यूएसबी केबल है, ये देख लीजिए। इसमें टाइप सी पोर्ट भी है जो एक्सटेंड होता है माइक्रो यूएसबी से, तो जो दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसे यूज़ करूँगा आज। ये मेरे पास एक सिंपल सी पेन ड्राइव है सैंडिस की 8 GB वाली, तो ये हाई स्पीड नहीं है, नॉर्मल है। इसके साथ मेरे पास हाई स्पीड 3.0 की सैंडिस्क की 32 GB की एक OTG पेन ड्राइव है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने मूवीज़ वगैरह कॉपी करने करके टीवी में देखने के लिए। तो मुझे आज मूवीज़ कॉपी करनी थी अब नोट 8 प्रो से। जनरली मैं अपने नोट 4 में करता था पहले, अब मैं नोट 8 प्रो से करने की कोशिश कर रहा था। तो आज मैं देखूँगा ऐसे करके। एक मेरे पास ये एक सिंपल सी, ये वैसे ही मैंने रख ली, इसका कुछ ये कार्ड रीडर है। ये है एक OTG जो माइक्रो USB से USB टाइप ए से कन्वर्ट करता है, ये सिंपल OTG हम कह देते हैं। तो गाइस हुआ क्या, अभी मैं बताता हूँ कि मैं आज करने के वाला हूँ। ये क्वेश्चन रेज कहाँ से हुआ है कि ये OTG सपोर्ट करता है कि नहीं करता। तो अगर आप MI के स्टोर में देखोगे, वहाँ पर आप नोट 8 प्रो और नोट 8 को कंपेयर करके देखोगे, तो इस पर सभी कुछ आ जाएगा, इसका प्राइस वगैरह, इसके अकेले अकेली चीज़ आप देख सकते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन मेरे काम की नहीं होगी। जो मैंने देखना था OTG सपोर्ट का, वो इसमें दोनों में नहीं था, इसमें मेंशन ही नहीं था। मैंने सारा नीचे तक देखा, इसमें बिल्कुल कुछ भी मेंशन नहीं था OTG के लिए। लेकिन फिर मैंने जब मैंने GSC मरीना में देखा, तो उसमें स्पेसिफिकेशंस में आप अगर नीचे जाओगे, जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें, हाँ, इसमें जो USB में आप जो लेफ़्ट वाला है वो नोट 8 प्रो है, जो राइट वाला है वो नोट 8 है, जिसमें USB ऑन द गो मेंशन है, वो नोट 8 है। तो इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ये सच में OTG सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। तो आज हम वही करके देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी जो केबल है उसको मैं टाइप सी में कनेक्ट कर दिया। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये केबल सही है और मेरा जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है, तो वो दिखाने के लिए सिंपल से मैं दोनों फ़ोनों का आपस में कनेक्ट करूँगा। टाइप सी वाली केबल मैंने नोट 8 प्रो में डाल दी, और नोट 4 में मैंने अपनी OTG डाली है। तो माइक्रो USB जो हमें जो है वो USB मैं अपने नोट 4 में डाल दिया, तो इससे दोनों फ़ोन कनेक्ट हो जाएंगे। ये देख लीजिए, इसमें नोटिफिकेशन भी आ गया नोट 8 प्रो में फॉर द चार्जिंग, और चार्ज होने भी लग गया। ये देख लीजिए, वो नोट 4 से नोट 8 प्रो चार्ज होने लग गया, ये देख लीजिए गाइज। तो अभी देख लेते हैं इसको अनलॉक करके कि और क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो नोट 4 को अनलॉक करेंगे, इसमें अभी अगर ऊपर देखेंगे तो मैं ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, कोशिश करता हूँ कि कुछ दिख जाए ब्राइटनेस के लिए। अगर मैंने अभी क्लिक किया था उस पर जो हमारा नोटिफिकेशन आया था माइक्रो USB कनेक्ट का, तो उसमें शो कर रहा है कि अदर डिवाइस अभी लॉक है। तो मैंने उसको अनलॉक किया नोट 8 प्रो को, तो इसमें वो मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है जो भी नॉर्मली आते हैं। तो मैंने फाइल ट्रांसफ़र क्लिक कर दिया, तो नोट 4 में मेरा नोट 8 प्रो की सारी फाइल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब कहने का कि मेरी केबल सही है, मेरे OTG जो है सिंपल वाली वो सही है, वो काम कर रही है, ये दिखाने का पर्पस था इसके इस सिचुएशन को, ठीक है। तो चार्जिंग के लिए तो ये काम करेगा, इसका कोई इशू नहीं है। अब मैंने जो करना है वो करते हैं, मैंने अपनी माइक्रो USB जो है
OTG वाली 3.0 वाली वो ली, तो इसके आगे अभी माइक्रो USB है छोटी वाली ना, तो वो यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने अपनी डाटा जो है वो कॉपी करना है टीवी में। तो उसके लिए ये देख लीजिए टाइप माइक्रो USB है एक एंड पे, तो मैं इसको जो केबल है वो केबल वाली माइक्रो USB 2 Type-C वाला वो यूज़ कर कर देखूँगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। पहले आपको दिखा दूँ नोट 4 में डाल के कि ये पेन ड्राइव बिल्कुल सही चल रही है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो यहाँ पर सैन डिस्क USB ड्राइव लिखा हुआ है। अगर आप इस कर ठीक है आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका डाटा जो है जो इसमें डाटा है जो जो आपको शो हो जाएगा। तो मतलब इसने अच्छी तरह से उठा ली है पेन ड्राइव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पेन ड्राइव ओके है, अभी मैं जो केबल है वो यूज़ करूँगा उसे एक्सटेंड माइक्रो USB से Type-C एक्सटेंड करने के लिए। तो अभी ये देख लीजिए अभी मैं इसमें डालने लगा हूँ, और ये मैंने इसमें कनेक्ट अच्छे से कर दी है, जितना आगे तक जा सकता था मैंने कर दिया है। थोड़ा सा गैप है वो नॉर्मली है क्योंकि प्रॉपर फिटिंग नहीं आ गई, तो मैंने कनेक्ट की है अभी, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसको अनलॉक करके देखेंगे तो भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। तो मतलब इसने अभी पेन ड्राइव को नहीं उठाया। मैं अभी क्या कह सकते हैं, ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि नोट 8 प्रो है यार, नोट 8 अगर सपोर्ट करता है तो प्रो को भी करना चाहिए। तो एक और ट्राई करके देखेंगे। मैं अभी जो मेरे पास इसका अदर एंड है USB का बड़े वाला Type-B कहते हैं शायद से, तो उसे यूज़ करूँगा जो सिंपल OTG है उसके थ्रू, और फिर यूज़ करेंगे हम वो केबल वाला Type-C। हाँ ये देख लीजिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर इसमें मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा नोट 4 में वो चलेगी। हाँ ये वाली आपको लगा कर दिखाता हूँ। अगर मैंने इसमें ये लगा दी तो अब इसको अगर मैं अनलॉक करूँगा नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन कनेक्ट हो गई है। अब देखेंगे स्क्रीन ऑफ ऑन करके तो ऊपर सैन डिस्क की पेन ड्राइव अभी सब डाटा आ चुका है। USB कनेक्टेड तो ये मेरी पेन ड्राइव आ चुकी है। ठीक है अगर मैं इसे निकालूंगा तो मेरी जो पेन ड्राइव का डाटा है वो ऑटोमेटिकली ये देखने बंद हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने रेफरेंस के लिए दिखाया आपको। अभी मैं यही सेम नोट 8 प्रो में डाल कर देखेंगे कि अगर ये चल जाए, वरना तो इसका काम तो आम ही है, क्या कर सकते हैं। तो भी मैंने जो केबल है उसमें ये अभी प्रॉपर फिट हो गया है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर फिटिंग हो गई है। ठीक है तो अभी मैं इसको नोट 8 प्रो में डालकर दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो गाइस देख सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ लगाने की, ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड अडाप्टर बन गया है इसके लिए, लेकिन इसको काम करना चाहिए। स्टिल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई स्क्रीन में पॉपअप नहीं आया। अगर मैंने इसे अनलॉक करूँगा तो भी कुछ नहीं आया गाइस, स्टिल नोट 8 प्रो इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि ये OTG सपोर्ट नहीं करता, यही कह सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो का यही पर्पस था। ठीक है अभी मैं आपको जो सिंपल वाली पेन ड्राइव है वो लगा कर दिखाऊंगा कि शायद ये फास्ट है इसलिए ना कनेक्ट कर रहा हो। तो मैं जो सिंपल है नॉर्मल स्पीड वाली वो कनेक्ट करेंगे हम। ये मेरा नोट 8 प्रो है और मैंने ये इसमें लगा कर देखेंगे, काश ये चल जाए तो।
लेकिन नहीं, इसमें भी कुछ नहीं आया गाइस। तो नोट 8 प्रो OTG सपोर्ट सच में नहीं करता यार, क्या है। एमआई वालों, तुम पे गुस्सा आ रहा है यार सच में। ऐसा क्यों यार, नोट 8 प्रो में नहीं, नोट 8 में दे रहे हो। 8 प्रो का क्या क्या सीन है यार, अभी सच में नहीं पता चल रहा यार क्या करें क्या। तो अगर हमें मूवी कॉपी करनी है तो हम ये कर सकते हैं कि अपने नोट 8 प्रो से पहले नोट 4 में कॉपी कीजिए डाटा, ठीक है, उस केबल के थ्रू, और फिर नोट 4 से पेन ड्राइव लगाकर उसे आप कॉपी कर सकते हैं। तो यही करने वाला हूँ मैं, ये देख लीजिए अभी कनेक्ट किया है। तो गाइज ठीक है, मैं भी इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेरा मेन काम था आपको दिखाने का कि ये OTG सपोर्ट करता है या नहीं, तो इसमें ये फेल हो गया। नोट 8 प्रो गाइस मत लीजिए, अगर ये OTG सपोर्ट नहीं करता तो यार क्या फ़ायदा, इतने बड़े फ़ोन का क्या फ़ायदा। मैं भी अभी बहुत डिसअपॉइंट हूँ यार ये देखकर, मुझे भी लगता नहीं था कि यार ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो गाइस मैं देखूँगा इसका कोई सोल्यूशन वगैरह मिल जाए मैं इसे बात करके। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू।